यूपी के चार शहरों से जुड़े आतंकियों के तार, एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला हुआ खुलासा। लखनऊ में अलकायदा समर्थित गजवातुल हिंद संगठन के आतंकियों मिन्हाज व मुसरुद्दीन की मदद के आरोपी मुस्तकीम, शकील व मुईद के उत्तर प्रदेश के चार शहरों से तार जुड़े हैं। एटीएस की पूछताछ में तीनों आतंकियों ने कई अहम राज खोले हैं। एटीएस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूर्व में गिरफ्तार आतंकियों की मदद करने वाले मुस्तकीम, शकील व मुईद ने एटीएस को बताया कि उन्होंने प्रदेश के चार शहरों में कानपुर, चंदौली, मुजफ्फरनगर व गाजियाबाद के लोनी से असलाह व कारतूस की खरीदारी की थी। इन असलाह व कारतूस की मदद से वह शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे, इससे पहले कि वो दबोच लिए गए। पूर्व में गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज और मुसीर को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए रिमांड की मंजूरी दे दी है और मुस्तकीम मुईद को शकील 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। एटीएस आतंकियों को लेकर उनके बताए हुए चार शहरों में ले जाकर दबिश देकर उनके बयानों की पुष्टि करेगी। सूत्रों के अनुसार टीम पांचों को साथ लेकर सबसे पहले कानपुर पहुंचेगी, जहां जाजमऊ, बेकनगंज, नई सड़क, चमनगंज और हलीम कॉलेज के आसपास भी टीम जा सकती है। इन्हीं जगहों पे आतंकियों की असलाह सप्लायरों से मुलाकात हुई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।